सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू इजी कुकिंग। तो दिसंबर आ गया है, ईयर का ये लास्ट मंथ है और साथ ही साथ इसमें आते हैं क्रिसमस और न्यू ईयर। तो बस यही देखते हुए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक प्लम केक की रेसिपी। इस केक में मैंने ना तो एग्स यूज किए हैं और ना ही अल्कोहल का यूज किया है, बट जो ट्रेडिशनल क्रिसमस केक होता है उसमें ये दोनों ही चीजें यूज होती हैं। उसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पे डालने वाली हूँ। जब मैं रेसिपी डालूंगी तो इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक जरूर दे दूंगी। अभी आप ये वीडियो एंजॉय करें, अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए फिर बिना किसी देर के फटाफट से अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए ये सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और साथ ही साथ ये बेल आइकन को दबाएं ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए। केक बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैक लिया है जिसमें मुझे बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ ही इकट्ठे मिल गए हैं। आप चाहें तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। ये पैकेट भी आराम से आपको मार्केट में अवेलेबल होता है या फिर आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें होते हैं आमंड, इसमें कैश्यूज हैं, रेसिन, कैनबेरी, पिस्ता, एप्रिकॉट, फिग, वॉलनट एंड ब्लूबेरीज। तो ये सारी चीज़ें इसमें मुझे मिल रही हैं। इसके अलावा आप अपनी मर्जी से भी और कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इनको एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है। इसमें मैंने किशमिश, बेरीज, एप्रिकॉट और जो हमारा अंजीर है उसको मैंने अलग कर लिया है। बाकी जो कैश्यूज हैं और आमंड्स हैं, पिस्ता है, वॉलनट है, ये हम बाद में इसमें ऐड करेंगे। अभी हमें बस यही चीज़ें चाहिए क्योंकि इन्हें हमें सोक करके रखना है। तो सबसे पहले तो इन्हें हम काट लेंगे। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ किशमिश नहीं काटी है, बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने काट लिया है। तो बस अब इनको सोक करेंगे। सोक करने के लिए एक कोई भी बाउल लेंगे, उसमें डालेंगे हम एक कप ऑरेंज जूस। यहाँ पे वैसे तो जो केक होता है उसमें अल्कोहल डलता है, बट यहाँ पे हम जूस यूज़ कर रहे हैं। ऑरेंज जूस डालेंगे, जो हमने काट के रखे हैं सारे ड्राई फ्रूट्स उनको डाल देंगे। इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें हाफ कप टूटी फ्रूटी। मुझे यहाँ पे सिर्फ ग्रीन और रेड कलर की मिली है, आपको जितने कलर्स की मिले वो डाल दें। ये डालने के बाद अब इसको एक बार अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हम ऐसे ही जूस में रहने देंगे कम से कम भी 1 से 1.5 घंटे के लिए। और जब तक ये सोक होती है उसी बीच हम बाकी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब हमें कुछ स्पाइसेस चाहिए हैं जिनका हमें पाउडर बनाना है। इस केक में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे जायफल। ये बहुत ही ज़्यादा आराम से आपको मार्केट में मिल जाता है, तो ये लें। अगर आपके पास इसका पाउडर है तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम 20 से 25 लेंगे काली मिर्च। इसी के साथ लेंगे थोड़ी सी हम इलायची, तो ग्रीन इलायची लें। यहाँ पे मैंने 4 यूज़ की है। 8 से 10 हम लेंगे लौंग। थोड़ी सी जावित्री लेंगे और उसके साथ साथ थोड़ी सी यहाँ पे हम सौंफ लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हमें पीस लेना है, बिल्कुल बढ़िया सा इसका एक पाउडर बना लेना है। तो इसको मैं मिक्सर में डाल के इसको एकदम बढ़िया पीस लेती हूँ। पीसने के बाद आपको ये इस तरीके का कुछ पाउडर मिलेगा। ये देखिए एकदम बारीक पीसें, जितना बारीक आप पीस सकते हैं। उसके बाद इसको कोई भी छन्नी से छान ले तो आपको बिल्कुल ऐसा एक पाउडर मिल जाएगा। ये देखिए कितना ज़्यादा बढ़िया बना है। बस अब पाउडर बनाने के बाद बाकी केक की तैयारी करते हैं। तो उसके लिए हम कोई भी एक बाउल लेंगे, उसमें एक छन्नी रखेंगे इस तरीके से। अब लेंगे हम मैदा। तो यहाँ पे मैं 1 + 1/4 कप यहाँ पे मैदा यूज़ कर रही हूँ। 1 चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच कोको पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद डाल रही हूँ मैं इसमें पाउडर्ड शुगर, तो ये 3/4 कप है। मैं मीठा थोड़ा ज़्यादा खाती हूँ इसलिए ज़्यादा डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें 1/2 कप ही डालें। इसके बाद अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। छानने के बाद नीचे जो थोड़ा बहुत वेस्ट बच जाए तो उसको आप हटा दीजिएगा। इन सभी चीज़ों को हम एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। कोई भी इस तरीके का स्पैचुला लेके आप उसको मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद जो केक पाउडर हमने बनाया था वो इसमें डाल देंगे, तो 1/2 टीस्पून वो डालें। मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ। ये डालने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से काजू और बादाम जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं। और इसके बाद जो ड्राई फ्रूट हमने सोक करके रखे थे जूस में, तो उनको ये देखिए अच्छे तरीके से सोक हो गए हैं। इनका जूस हम एक दूसरी कटोरी में अलग से निकाल लेते हैं छान के, और ये जो हैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे इसमें डाल देते हैं। ये डाल के पहले अच्छी तरीके से इनको मिक्स करेंगे।
ड्राई फ्रूट्स को आप भी पहले ही डालिएगा, अगर इस ये एक बार जब बैटर जो है वो गीला हो जाए उसके बाद आप डालें तो बहुत बार क्या होता है कि सारे ड्राई फ्रूट्स नीचे भी बैठ जाते हैं, तो इसलिए पहले इसको सूखे मैदे में कोट कर लें और उसके बाद जो भी वेट इन्ग्रीडियंट्स हम इसमें यूज़ करने वाले हैं वो हम डालेंगे। अब वेट इन्ग्रीडियंट्स में सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ वनीला एसेंस, तो हाफ टी स्पून इसमें वनीला एसेंस डालेंगे। इसके बाद इसमें डालेंगे हम बटर, तो यहाँ पे मैंने हाफ कप मेल्टेड बटर का यूज़ किया है, यहाँ पे ये मैंने सॉल्टेड बटर लिया है। ये डालने के बाद अब जो ऑरेंज जूस बचा हुआ था वो इसमें डालेंगे, वैसे अभी ऑरेंज रह नहीं गया है, ये ब्राउन हो गया है, बट ये हम इसमें डाल देंगे और बस अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के लिए स्पैचुला का ही यूज़ करें, कोई भी मशीन ना यूज़ करें, इसको इस तरीके से गोल करके ही हमें मिक्स करना है। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है, तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम दूध डालेंगे। ये जो प्लम केक का बैटर होता है ये बहुत ज़्यादा ना तो गाढ़ा होता है और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला होता है, तो इसकी कंसिस्टेंसी पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे दूध मैंने हाफ कप से भी कम ही यूज़ किया है, सिर्फ और सिर्फ इसको अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए ही दूध का यूज़ करें। अब बैटर हमारा तैयार है, टिन भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले से एक टिन लिया है, इसको मैंने नीचे थोड़ा सा घी लगा के और मैदा इसमें डस्ट कर दिया है। आप चाहें तो आप इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं, उससे फिनिशिंग थोड़ी ज़्यादा आती है, तो जो भी आपका मन हो वो कर सकते हैं। इसके बाद अब जो हमने केक वाला बैटर बनाया था वो इसमें सारा ट्रांसफ़र कर देंगे। स्पैचुला को भी मैं साफ करके अच्छी तरीके से सारी चीज़ इसमें डाल देती हूँ और बस ये सारी तैयारी हमारी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर से टैप कर देंगे ताकि अच्छी तरीके से ये बैटर नीचे तक बैठ जाए। तो ये तो एकदम तैयार हो गया, अब चलते हैं कुकर की तरफ, कुकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नमक यूज़ किया है, ये नमक मैं हर बार बेकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। नीचे नमक डाल देंगे, उसके ऊपर कोई भी आप स्टैंड या इस तरीके की कोई भी छन्नी आप नीचे रख सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले तो इसके ढक्कन में जो विसिल होती है वो निकाल दें। विसिल निकालने के बाद इसको बंद करके हम 5 मिनट के लिए गैस का फ्लेम तेज़ करके इसको प्रीहीट कर लेंगे। रीहीट करने के बाद 5 मिनट बाद अब इसका जो गैस का फ्लेम है वो हम लो कर देंगे और जो हमारा ये केक के बैटर वाला बॉक्स है ये इसमें डाल देंगे। अब ऊपर से ढक्कन लगा के इसको हम बेक होने देंगे। इसको बेक होने में ज़्यादा टाइम लगता है, तो आपको कम से कम भी 1 घंटा तो इसमें लग ही जाएगा, गैस का फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। अब 1 घंटे बाद हम एक बार चेक कर लेंगे इसको खोल के, तो ये देखिए मुझे लगता है कि ये ऑलमोस्ट बन चुका है, बट फिर भी इसे हमें अंदर से अच्छी तरीके से चेक करना पड़ेगा। तो कोई भी टूथपिक वगैरह लें, उससे इसको इस तरीके से चेक कर लें। तो ये देखिए ये हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, 2-3 जगह से आप और चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा अच्छी तरीके से केक बेक हो चुका है, इसको बेक होने में पूरा 1 घंटा लगा है। तो बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ये बॉक्स को मैंने कुकर में से निकाल लिया है, बट इसको आराम से आप ठंडा होने दें, कम से कम भी 5 से 6 घंटे इसको लगेंगे अच्छी तरीके से ठंडे होने में। तो पहले इसको ठंडे होने दें, उसके बाद ही इसको अनमोल्ड करें। ये देखिए इसको ठंडा होने के बाद कट करेंगे तो ये बहुत अच्छे एकदम पीसेस में कट होगा। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो क्रिसमस ट्रेडिशनल केक है रम केक, वो भी मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी।